साथ में एक खुदा के साथ में आगे बढ़ा सके और हम गवर्नमेंट को ये बता सके कि हमारे लोग आप कमजोर नहीं है, हमारी बैंक जिंदाबाद। कार जो है ये मर्जर के पक्ष में बढ़ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा, विजया बैंक और कौन सी बैंक है, देना बैंक, हाँ इन बैंकों के मर्जर के लिए आगे बढ़ रही है, इसके विरोध में आज प्रदर्शन हो रहा है। सरकार मतलब जो है बैंकों का मर्जर कर रही है, संवैधानिक संस्था RBI है उस पे भी जो है हमला कर रही है, क्या मानते हैं सरकार की मंशा ठीक नहीं है? नहीं, सरकार की मंशा कर्मचारी विरोधी और देश का जो निम्न तबका है उसके विरोधी है और देश की छोटी गरीब जनता और देश के आर्थिक नीतियों के हित में नहीं है मर्जर किसी भी तरह से। ये केवल कॉरपोरेट वगैरह को फायदा दिलाना और उनके लिए बेचना, इसके लिए मर्जर करना चाहती है। हमको अपने विरोध को जो है पूरी तरीके से गवर्नमेंट के खिलाफ दिखा सकें। आज बैंक कर्मी काफ़ी हमारा इकट्ठा हो रहा है और गवर्नमेंट की नीति के खिलाफ है, क्योंकि इन्होंने NPA को जो है जो लिस्ट है उसकी NPA की इन्होंने अभी डिक्लेयर नहीं करी है। ये कहते रहते हैं हर बार कि हम इसकी लिस्ट डिक्लेयर करेंगे ताकि बड़े बड़े डिफॉल्टर जो करोड़ों में अरबों में बैंकों को चूना लगा चुके हैं सही मायने में, वो लेके विदेश भी भाग जाते हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि हमने जिन जिनों को लोन दिलाया हुआ है वो सारे लोग बाहर जाएं, देश की आर्थिक नीति खराब हो, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी नीति नहीं जो बना रही है गवर्नमेंट उस नीति के उसमें कहना ये है कि जहाँ तक नीचे का तबका जो है वो काफ़ी दबा जा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में भी जितने भी हमारे मिडिल क्लास के आदमी हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा गवर्नमेंट की तरफ से, उनकी नीतियां जो है पूरी तरीके से बैंकों को ख़त्म करने के चक्कर में, ये नेशनलाइज ख़त्म हो जाएंगी, प्राइवेट लेके आएंगे, इस प्राइवेट में भी किसी भी हमारे जो हिंदुस्तान की पब्लिक है उनका पैसा जो सिक्योर नहीं है।